प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं पुनीता रावत श्री भगवती प्रसाद कन्या महाविद्यालय गोरखपुर। आज हम राजनीति शास्त्र के खंड असमकालीन विश्व में राजनीति के अध्याय 9 द्विध्रुवता के अंत के बारे में पढ़ेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व जो है वो सोवियत संघ के समाजवादी गुट और अमेरिका के पूंजीवादी गुट दो ध्रुवों में बट गया। इन दोनों ध्रुवों के बीच आरोप प्रत्यारोप और कागज के गोलों से लड़ा जाने वाला शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। इस शीत युद्ध की खींचतान में ही जर्मनी को भी बर्लिन की दीवार से बांट दिया गया और 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी की जनता ने बर्लिन की दीवार को गिरा दिया। इस नाटकीय घटनाक्रम के बाद और भी कई ऐतिहासिक नाटकीय घटनाक्रम सामने आए जिसकी परिणति दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति के रूप में हुई। जर्मनी का एकीकरण हो गया। पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने अपने यहाँ पर साम्यवादी शासन को बदल डाला। स्वयं सोवियत संघ का ही विघटन हो गया। आज इस अध्याय में हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार द्विध्रुवता का अंत हुआ, क्या घटना क्रम रहे, कारण और प्रभाव क्या थे। समाजवादी सोवियत संघ, ये रूस की 1917 की क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। ये क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में की गई थी और ये मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करके समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। समाजवाद का सिद्धांत ये था कि पूंजीपति या मजदूर किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, समाज में समानता होनी चाहिए, सभी को योग्यता के अनुसार कार्य और कार्य के अनुसार वेतन दिया जाना चाहिए, संपत्ति सार्वजनिक होनी चाहिए। इस कोशिश में पार्टी की संस्था और राज्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत संघ की धुरी थी और किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष की पार्टी के लिए कोई जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए क्योंकि सोवियत सेना ने इसको फासीवादी ताकतों से मुक्त करवाया था। इन देशों की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को समाजवादी ढर्रे पर ढाला गया था। यही देश सोवियत खेमे के देश या दूसरी दुनिया के देश कहलाए। सोवियत संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की दूसरी महाशक्ति के रूप में उभरा क्योंकि अगर अमेरिका को छोड़ दें तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था जो थी वो विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा विकसित थी। सोवियत संघ के पास उन्नत संचार प्रणाली थी, साथ ही विशाल ऊर्जा संसाधन थे जिसमें खनिज तेल लोहा इस्पात मशीनी उत्पाद आदि शामिल हैं। साथ ही सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। सोवियत संघ की घरेलू उपभोक्ता उद्योग बहुत ही उन्नत अवस्था में था। सोवियत संघ में पेन से लेकर कार तक सभी चीजों का निर्माण होता था। हालांकि सोवियत संघ के घरेलू उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली चीजें गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी, लेकिन फिर भी सोवियत संघ में न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया गया था और बुनियादी जरूरत की चीजें मसलन की शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों का देखभाल, अन्य जरूरत की चीजें रियायती दर पर मुहैया करवाई जाती थी और सोवियत संघ में बेरोजगारी बिल्कुल नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे ये सोवियत प्रणाली नौकरशाही के शिकंजे में कसती चली गई और एक सत्तावादी होती चली गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। क्योंकि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, इसलिए लोग अपनी असहमति और विरोध चुटकुलों के माध्यम से व्यक्त करते थे। इसकी एक वानगी है, कम्युनिस्ट पार्टी के एक अधिकारी मास्को से रवाना हुआ और सामूहिक खेती के एक फार्म पर आलू की पैदावार को दर्ज कराने के लिए पहुंचा। किसान साथी, इस साल की पैदावार कैसी रही, अधिकारी ने पूछा। ईश्वर की कृपा से आलू के पहाड़ लग गए, किसान ने कहा। लेकिन ईश्वर तो होता ही नहीं, अधिकारी ने उसकी बात काटी। तो आलू के पहाड़ भी कहाँ होते हैं, किसान ने जवाब दिया। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और अन्य संस्थाओं पर भी उसका गहरा अंकुश था और वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में से रूस भी एक गणराज्य था, लेकिन प्रत्येक मामले पर उसका प्रभुत्व था जिससे अन्य गणराज्यों की जो जनता थी वो अपने आप को दमित और उपेक्षित महसूस करती थी। सोवियत संघ ने समय समय पर हथियारों की होड़ में अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, लेकिन सोवियत संघ को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा क्योंकि सोवियत संघ व्यवस्था जो थी वो बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिक
प्रौद्योगिकी में पश्चिमी देशों की अपेक्षा बहुत पीछे रह गई और सोवियत संघ अपने नागरिकों की आर्थिक और राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सका। 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, इसका और ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। हालांकि जो कर्मचारी थे उनका पारिश्रमिक तो साल दर साल बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन उपभोक्ता और प्रौद्योगिकी में सोवियत संघ पीछे रह गया था। उपभोक्ता वस्तुओं की बहुत कमी हो गई थी, खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन 1970 की अंतिम दशक तेल व्यवस्था लड़खड़ा गई और अंत में ठहर सी गई। 1985 में मिखाइल गोरबाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। उन्होंने अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए और सोवियत संघ को पश्चिमी देशों पर बराबरी पर लाने के लिए कुछ सुधार नीतियां लागू की, जिसमें पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट प्रमुख थी। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ होता है पुनर्निर्माण। इसमें अर्थव्यवस्था में राज्य के नियंत्रण में कमी लाई गई, सुधार नीतियों को लागू किया गया और प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दिया गया। ग्लासनोस्ट का अर्थ होता है खुलापन। इससे लोकतांत्रिक सुधारों में कार्य किया गया और मीडिया पर सेंसरशिप हटाई गई, साथ ही नागरिकों को अधिकार और स्वतंत्रता देने की बात कही गई। लेकिन जब इन सुधारों को लागू किया गया तो कम्युनिस्ट पार्टी गर्मपंथी नेताओं ने इसका विरोध किया, यहाँ तक कि 1991 में तख्ता पलट किया गया। गर्मपंथी नेताओं ने इसको बढ़ावा दिया था, लेकिन तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था और वो कम्युनिस्ट पार्टी के पुरानी रंगत वाली शासन व्यवस्था में नहीं जाना चाहते थे। बोरिस येल्सिन ने इस तख्ता पलट के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वो नायक बनकर उभरे। रूस, जहां से बोरिस येल्सिन ने चुनाव जीता था, उसने सोवियत संघ के केंद्रीय नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से मध्य एशिया के गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की, वो सोवियत संघ में बने रहना चाहते थे। लेकिन दिसंबर 1991 में रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने बोरिस येल्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई और इन गणराज्यों ने अपने यहाँ पर पूंजीवाद और लोकतंत्र को शासन का आधार बनाया। साथ ही सोवियत परवर्ती गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल की स्थापना की। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट रूस को दी गई। साथ ही परवर्ती गणराज्यों में एकमात्र शक्ति संपन्न देश का दर्जा रूस को दिया गया। सोवियत संघ ने जितने भी अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियां की थी उसको निभाने का जिम्मा रूस का था। रूस ने अमेरिका के साथ कुछ निशस्त्रीकरण पर समझौते किए। सोवियत संघ का दफन हो गया था। इसके घटनाक्रम कुछ इस तरह से रहे। मार्च 1985, मिखाइल गोरबाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए। बोरिस येल्सिन को रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख बनाया गया। सोवियत संघ में सुधारों की श्रृंखला शुरू की। 1988, लिथुआनिया में आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हुआ, एस्टोनिया और लातविया में भी फैला। अक्टूबर 1989, सोवियत संघ की घोषणा की कि वारसा समझौते के सदस्य अपने भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। नवंबर में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। फरवरी 1990, गोरबाचेव ने सोवियत संसद ड्यूमा के चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की। सोवियत सत्ता पर कम्युनिस्ट पार्टी का 72 वर्ष पुराना एकाधिकार समाप्त हो गया। जून 1990, रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता घोषित की। मार्च 1990, लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बना। जून 1991, येल्सिन का कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा, रूस के राष्ट्रपति बने। अगस्त 1991, कम्युनिस्ट पार्टी के गर्म पंथियों ने गोरबाचेव के खिलाफ एक असफल तख्ता पलट किया। सितंबर 1991, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया तीनों बाल्टिक गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। दिसंबर 1991, रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने 1922 की सोवियत संघ के निर्माण से संबंध सदी को समाप्त करने का फैसला किया और स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनाया। आर्मेनिया, अजरबैजान, मालदोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान भी राष्ट्रकुल में शामिल हुए। जॉर्जिया 1993 में राष्ट्रकुल का सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की सीट रूस को मिली। 25 दिसंबर 1991, गोरबाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया और सोवियत संघ का अंत हो गया।
विश्व की दूसरी महाशक्ति अचानक आखिर इस तरह से बिखर कैसे गई? सिर्फ समाजवाद और सोवियत संघ के पतन को समझने के लिए सवाल पूछना जरूरी नहीं है, बल्कि किसी भी राज्य व्यवस्था के अंत को समझने के लिए सवाल जरूरी है। दरअसल इसमें कोई संदेह नहीं कि सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं अपनी कमजोरी के कारण जनता की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सकी, और ये सोवियत संघ के विघटन का सबसे बड़ा कारण रहा। सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध रही और उपभोक्ता वस्तुओं की भारी कमी हो गई। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर संस्थाएं इतनी कमजोर हुई कैसे, अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया? दरअसल हुआ क्या कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का बड़ा हिस्सा जो था वो परमाणु हथियारों और सैन्य साजो सामान पर खर्च किया। साथ ही उसने अपने संसाधनों को अपने पिछलग्गु पूर्वी यूरोप के देशों के विकास पर खर्च किया। इससे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा, जिसे वो सोवियत संघ की व्यवस्था सहन नहीं कर सकी। साथ ही सालों तक सोवियत जनता को ये बताया गया था कि सोवियत समाजवादी व्यवस्था पश्चिम की पूंजीवादी व्यवस्था से बेहतर है, जबकि सच्चाई ये थी कि सोवियत संघ पश्चिमी देशों की तुलना में पिछड़ चुका था। अपने पिछड़ेपन की इस पहचान से जनता को मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक रूप से धक्का लगा। साथ ही सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से भी गतिरुद्ध हो चुका था। गतिरुद्ध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार, अपनी गलतियों को सुधारने में शासन की अक्षमता, शासन में खुलापन लाने के प्रति अनिच्छा और देश की विशालता के बावजूद केंद्रीकृत शासन, इन सब की वजह से जनता अलग थलग पड़ गई। गोर्बाचेव ने राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए वायदा किया था। वो तो रोग का निदान ठीक ठीक कर रहे थे, लेकिन जब इन सुधारों को लागू किया गया और प्रशासन में ढील दी गई, तो जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता था। उस पर नियंत्रण पाना बहुत ही मुश्किल हो गया। जनता के एक तबके का विचार ये था कि गोर्बाचेव को थोड़ा और तेज गति से कदम बढ़ाना चाहिए, वो उनकी कार्यपद्धति से तीरज खो बैठे। हो सकता है उन्होंने जैसा सोचा उनको फायदा ना हो रहा हो, या बहुत धीमी गति से फायदा हो रहा, और जो लोग सोवियत संघ में फायदे की स्थिति में थे उनका कहना ये था कि हमारे एकाधिकार और हमारी विशेष शक्तियां समाप्त हो रही हैं, गोर्बाचेव बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी दिखा रहे हैं। इस खींचतान में गोर्बाचेव का समर्थन दोनों तरफ से जाता रहा, और जो लोग गोर्बाचेव के साथ थे उनका भी मोह भंग हो गया। इन सारी घटनाओं के बावजूद भी सोवियत संघ का विघटन नहीं होता, पर एक ऐसी घटना घटी जिसने न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को चौंकाया, बल्कि सोवियत संघ की व्यवस्था के अंदर के लोग भी बहुत चक्के रह गए। वो था राष्ट्रवादी विचारधारा और संप्रभुता की इच्छा का उत्थान। राष्ट्रवादी और संप्रभुता की इच्छा का उभार सोवियत संघ के पतन का अंतिम और तत्कालिक कारण सिद्ध हुआ। सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष यूरोपीय देश, बाल्टिक क्षेत्र के गणराज्य और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्यों जैसे कि यूक्रेन, जॉर्जिया और रूस में अधिक प्रबल नजर आया, क्योंकि इन गणराज्यों की जनता में ये भाव घर कर गया था कि सोवियत संघ में अपेक्षाकृत पिछड़े इलाकों को शामिल करने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ की दूसरी दुनिया के पतन के परिणाम विश्व राजनीति के लिहाज से गंभीर रहे, इसको मोटे रूप में तीन तरह से देखा जा सकता है। अव्वल तो सोवियत संघ के विघटन से शीत युद्ध के दौर की संघर्ष की समाप्ति हो गई, और समाजवादी व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था को पछाड़ पाएगी कि नहीं, ये विचारधारात्मक विवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया। साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति से हथियारों की जो होड़ थी वो समाप्त हो गई। दूसरा, सोवियत संघ के विघटन से विश्व परिदृश्य बदल गया और शक्ति संतुलन भी बदल गए। अमेरिका अब अकेली महाशक्ति बनकर उभरा, और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था हो गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाएं विभिन्न देशों की ताकत पर सलाहकार बन गई, क्योंकि इन देशों ने पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं से कर्ज लिया था। तीसरा, सोवियत संघ के विघटन से नए देशों का उदय हुआ, जिसमें कि बाल्टिक क्षेत्र के गणराज्य और पूरे यूरोप के देश तो यूरोपीय संघ से मिलना चाहते थे, लेकिन मध्य एशिया के गणराज्य अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे, क्योंकि इनके पास पेट्रोलियम संसाधनों की प्रचुरता थी। इसलिए इन्होंने रूस से भी अपना संबंध प्रगाढ़ बनाए रखा, साथ ही पश्चिमी देशों अमेरिका और चीन से भी अपने संबंध मधुर बनाए। सोवियत संघ के विघटन के बाद परवर्ती गणराज्य
एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से पूंजीवादी लोकतंत्र की तरफ बेहद कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। परवर्ती गणराज्य पूंजीवाद की ओर जिस कष्टप्रद संक्रमण को उन्होंने अपनाया वो तरीका विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित मॉडल था, जिसको शॉक थेरेपी या फिर आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा गया। इसको शॉक थेरेपी इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें समाजवादी व्यवस्था की अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था को तो तुरंत ढहा दिया गया, लेकिन किसी वैकल्पिक व्यवस्था का उतना जल्दी निर्माण नहीं हो पाया, जिससे शासन व्यवस्था और जनता का जीवन दोनों ही अस्थिर होकर रह गया। शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता ये थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होना चाहिए। सामूहिक फर्मों को निजी फर्मों में बदला गया और जो खेती थी वो पूंजीवादी तरीके से शुरू की गई। अब ये माना जाने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है, इसलिए वित्तीय खुलापन और मुक्त व्यापार नीति को अपनाया गया। शॉक थेरेपी जनता को आनंद उपभोग के उस आनंद लोक तक नहीं ले गई जिसका कि उसने वायदा किया था। इससे पूरे के पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। रूस का पूरा औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों और कंपनियों में बेचा गया। लेकिन राज्य का ये आर्थिक पुनर्निर्माण राज्य निर्देशित औद्योगिक नीति की बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी, जिससे ये कदम सभी उद्योगों को मटियामेट करने वाला साबित हुआ। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें बड़े से बड़े उद्योगों को कम से कम कीमत पर आकर औने पौने दाम में बेच दिया गया। रूसी मुद्रा रूबल में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। रूस के करीब 1.5 दर्जन वित्तीय संस्थान और बैंक में से आधे से ज़्यादा दिवालिया हो गए। साथ ही रूस का पूरा व्यापारिक ढांचा चरमरा उठा और उसकी जगह किसी नई वैकल्पिक व्यवस्था का निर्माण नहीं हो सका। साथ ही जो रूस की समाजवादी व्यवस्था थी उसको क्रमबद्ध तरीके से नष्ट किया गया और सरकारी रियायतों के खात्मे की वजह से एक बड़ा वर्ग जो था वो गरीबी में पड़ गया। बौद्धिक वर्ग से जुड़े हुए लोग या तो बिखर गए या बाहर चले गए। एक माफिया वर्ग उभरा जिसने पूरी अर्थव्यवस्था को अपने कब्जे में ले लिया। रूस में अमीरी और गरीबी की खाई और ज़्यादा चौड़ी होती चली गई। साथ ही आर्थिक पुनरुद्धार के काम को बहुत प्राथमिकता दी गई, उस पर पर्याप्त ध्यान भी दिया गया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के पुनर्निर्माण का कार्य उतनी प्राथमिकता के साथ नहीं किया गया। इन राज्यों का जो संविधान था वो बहुत हड़बड़ी में तैयार किया गया था और राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बना दिया गया, उसको हर संभव शक्ति थमा दी गई, जिससे संसद अपेक्षाकृत कमजोर संस्था होकर रह गई। मिसाल के तौर पर तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने अपने आप को इस पद पर 10 वर्ष के लिए बहाल किया, बाद में 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया और राष्ट्रपति के फैसलों को असहमति या विरोध की अनुमति नहीं थी। इन गणराज्यों की अर्थव्यवस्था ने सन 2000 यानी कि 10 साल बाद खड़ा होना शुरू किया। इन राज्यों की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन का कारण था पेट्रोलियम संसाधन और गैस की उपलब्धता। दरअसल रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े उत्पादक देश थे और दूसरे देशों को अपने यहाँ पाइपलाइन गुजरने का फायदा मिला क्योंकि इसके एवज में उनको किराया मिलता था। एक तरह से विनिर्माण का काम भी काफी हद तक शुरू हुआ। रूस के परवर्ती क्षेत्र संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र थे। इन्होंने बगावत और गृह युद्ध को काफी लंबे समय तक झेला। रूस के दो गणराज्य चेचनिया और दागिस्तान में अहिंसक अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं और मास्को की सरकार ने इन आंदोलनों से निपटने के जो तरीके अपनाए हैं उससे मानवाधिकार का खुला उल्लंघन हुआ है, लेकिन आज़ादी की आवाज़ को दबाया नहीं जा सका है। इसी प्रकार से मध्य एशिया में तजाकिस्तान 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। साथ ही अजरबैजान का एक प्रांत है नगरनो खानबाग, जहाँ के कुछ अर्मेनियाई निवासी अलग होकर अर्मेनिया से मिलना चाहते हैं। जॉर्जिया के दो प्रांत स्वतंत्रता चाहते हैं और आपस में गृह युद्ध लड़ रहे हैं। इसी प्रकार से जॉर्जिया, यूक्रेन और किर्गिस्तान में वर्तमान शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे हैं। कुछ गणराज्य जो हैं आपस में नदी जल विवाद पर आपस में उलझे हुए हैं। चेकोस्लोवाकिया का शांतिपूर्वक दो देशों में विभाजन हो गया, चेक और स्लोवाक। 1991 में यूगोस्लाविया
कई प्रांतों में टूट फूट गया, जिसमें बोस्निया हर्जेगोविना और क्रोएशिया स्लोवानिया ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। नाटो को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। इन सारी बातों की वजह से इस पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का माहौल है और नागरिकों का जीवन जीना दूभर है। हालांकि कुछ गणराज्यों में पेट्रोलियम संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता के कारण इनको आर्थिक फायदा तो मिला, लेकिन इस वजह से ये बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बनकर रह गए। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका भी इस क्षेत्र में अपने सैन्य ठिकाने बनाना चाहता था। इसके एवज में इसने इस क्षेत्र के सभी देशों को भुगतान किया और अफगानिस्तान और इराक के खिलाफ युद्ध में उसने अपने जंगी जहाजों को यहाँ से उड़ने की अनुमति प्राप्त की। इसी प्रकार खनिज तेल पेट्रोलियम संसाधन की मौजूदगी की वजह से चीन के हित भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और चीनी व्यापारी जो है इस क्षेत्र पर आकर उन्होंने अपना व्यापार करना शुरू कर दिया है। भारत और सोवियत संघ के रिश्ते बहुत ही प्रगाढ़ थे। सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक उपक्रमों की उस वक्त मदद की जब ऐसी मदद किसी भी अन्य देश से नहीं मिल सकती थी। सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम के इस्पात उद्योगों को आर्थिक और तकनीकी सहायता दी। जब भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया तो उसने रुपये को आधार बनाकर भारत के साथ व्यापार किया। साथ ही रूस ने कश्मीर मुद्दे पर भारत का सहयोग किया और 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भारत का सहयोग किया। भारत को उस समय उसने सैनिक साजो सामान दिए जब किसी भी देश उसके कोई भी देश उसके लिए तैयार नहीं था। साथ ही भारत की संस्कृति और फिल्में भी रूस में सोवियत संघ में बहुत प्रसिद्ध थी। पर्वतीय सोवियत गणराज्यों से सभी से भारत के रिश्ते मधुर हैं, लेकिन भारत का सबसे ज़्यादा प्रगाढ़ रिश्ता रूस से है। रूस और भारत का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। बहुध्रुवीय विश्व से आशय ये है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कई महाशक्तियाँ होनी चाहिए और सामूहिक सुरक्षा होनी चाहिए, साथ ही प्रत्येक देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो, विवादों का निपटारा बातचीत के द्वारा हल किया जाए और फैसले संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था के द्वारा लिए जाएं। रूस और भारत के मध्य 2001 में समझौता सामरिक समझौता हुआ था जिसके अंतर्गत 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए हैं। रूस के साथ संबंध से भारत को कश्मीर मुद्दा, ऊर्जा आपूर्ति, आतंकवाद में सूचनाओं के आदान प्रदान का फायदा है। साथ ही रूस को ये फायदा है कि भारत रूस से हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। इसके अलावा जब भी तेल संकट पड़ा रूस ने भारत की मदद की है और रूस भारत के प्रमाणिक योजना में भी उसने भारत की मदद की और अंतरिक्ष उद्योग में ज़रूरत के वक्त उसने क्रायोजेनिक इंजन देकर भारत की मदद की। साथ ही भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में भी साझेदार है। सोवियत संघ का विघटन हो गया, द्विध्रुवता का अंत हुआ, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। सामाजिक समानता के उच्च आदर्श, न्यूनतम जीवन स्तर और रोजगार की गारंटी के बावजूद साम्यवादी शासन जो था वो वास्तविकता में साम्यवाद और तानाशाही शासन व्यवस्था के रूप में सामने आए, और मास का समाजवाद जो था वो वास्तव में यूटोपिया यानी कि परिकल्पना बनकर रह गया। इसका बुनियादी कारण ये था कि साम्यवाद में नागरिकों या इंसान के अधिकार और स्वतंत्रता की बुनियादी ज़रूरतों को अनदेखा किया गया, और इसीलिए वर्तमान में लोकतंत्र सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था है। लेकिन लोकतंत्र की सफलता नागरिकों के अपने अधिकार और कर्तव्यों की जागरूकता पर ही निर्भर है। इसलिए बच्चों, हमें अपने नागरिक और अधिकारों के बारे में जागरूक रहना चाहिए, अपने कर्तव्यों के बारे में सचेत रहना चाहिए। वर्तमान में समाज में समानता के सिद्धांत को लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा पूरा किया जा रहा है। इस प्रकार समाजवाद का अंत हुआ, लेकिन हमें लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से जो भी हमको सुविधाएं मिलती हैं उसके प्रति राज्य के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और अपने कर्तव्यों को राज्य के प्रति पूरा करना चाहिए। धन्यवाद।